परिवहन में लिप्त टीपर ने दोपहिया सवार सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मचारी और उनके पोते को कुचल डाला। यह हादसा पुरानी कामठी थाना क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर हुआ। घटना से संतप्त लोगों ने ट्रक पर पथराव कर आग लगाने का प्रयास किया, जिससे तनाव पैदा हो गया। मृतक गजानन नगर पीपला फाटा निवासी 65 वर्षीय रामदास परसराम बनकर और उनका 25 साल का पोता त्रिशांत राकेश बनकर है। घटना में बनकर की बहू भी जख्मी हो गई है। 24 घंटे में रेत परिवहन में लिप्त वाहनों से एक ही परिवार के 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनकर सीआरपीएफ से रिटायर हुए हैं। उनका बेटा राकेश सेना में जवान है, वह आसाम के गुवाहाटी में कार्यरत है। बनकर की आंखों का उपचार कामठी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागपाल के पास चल रहा है। बनकर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बहू दामिनी और पोते त्रिशांत के साथ एक्टिवा से डॉक्टर नागपाल के क्लिनिक जा रहे थे। एक्टिवा को दामिनी चला रही थी। मोटर स्टैंड चौक से पुराने कामठी पुलिस थाने की दिशा में जाते हुए राय हॉस्पिटल के करीब विपरीत दिशा से आ रहे टीपर क्रमांक MH40AK0268 के चालक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। इससे दामिनी विपरीत दिशा में जबकि बनकर और पोता टीपर के पहियों के नीचे आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का पता चलते ही लोगों ने ट्रक पर पथराव कर दिया, उसे आग लगाने का भी प्रयास किया। इसी बीच पुरानी कामठी थाने के PI राहुल सिरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह नागरिकों को काबू में कर दोनों शव हॉस्पिटल रवाना किए। मामूली जख्मी दामिनी का भी उपचार किया गया। घटना की सूचना बनकर के सैनिक पुत्र राकेश को तत्काल दे दी गई। पुलिस ने टीपर चालक जितेंद्र भोंगाड़े मोहाड़ी भंडारा को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। 24 घंटे के भीतर रेत परिवहन में लिप्त टीपर से यह दूसरा बड़ा हादसा है। सोमवार की सुबह भंडारा मार्ग पर टीपर ने राजू रांगडाले और उसकी माँ गीता रांगडाले को कुचल डाला था। बनकर और उनके पोते को रौंदने वाला टीपर रेती खाली कर लौट रहा था। नागपुर जिले के सभी रेती घाट लंबी अवधि से बंद है, फिर भी धड़ल्ले से रेत चोरी कर बेची जा रही है। इस तस्करी से हर माह करोड़ों की कमाई हो रही है, लेकिन प्रशासन शांत बैठा है। जबकि जिले के कई खूंखार गुंडे इस तस्करी में लिप्त है। शहर से गुजरने वाले महामार्ग पर लगे CCTV कैमरे रेत तस्करी की गवाही भी दे सकते हैं। बनकर और उनके पोते को कुचलने वाले टीपर में गोंदिया के घाट से निकाली गई रेती थी। पुलिस का कहना है कि गोंदिया के घाट में उत्खनन की अनुमति है, वह टीपर चालक द्वारा पेश की गई टीपी की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर। एक कुटुंब होता एक्टिवा गाडीवर, त्याच्यामध्ये महिला होत्या दामिनी राकेश वनकर राहणार पिपळा फाटा हुडकेश्वर, आणि त्यांच्यासोबत त्यांचा एक मुलगा होता 3 वर्षाचा त्रिशांत राकेश बनकर, आणि एक रामदास परशुराम बनकर 60 वर्षाची समस्या। तिघंजण ॲक्टिवा गाडीवर, नागपाल डॉक्टर आहे त्यांच्याकडे, काही मोतीबंदी होती त्यांची ट्रीटमेंट सुरू होती वाटते, त्याच्याकरता आले होते। आणि हे परत हैदरीकडे जाताना त्यांना पाठीमागून एका टिप्परने धडक मारली आहे, त्याच्यामुळे तो अपघात झाला आहे। त्याच्यामध्ये हा त्रिशांत आणि ते 60 वर्षाची इसम यांची डेथ झाली आहे, आणि टिप्पर आणि टिप्पर चालक हे दोघंही आमच्या ताब्यात आहे। शांतता आहे, कायदा सुव्यवस्थेचा काही प्रश्न नाही आहे, पुढील तपास सुरू आहे।